ऐसा रेसिपी जिसके लिए बहुत लोग झगड़ा करता, बिहार बोलता ये मेरा, बंगाल बोलता ये मेरा, उड़ीसा भी बोलता ये मेरा। अब इसके बीच में मैं पड़ेगा ना जी, तो इधर भी झगड़ा होगा। तुम लोग रेसिपी देखो, अच्छा लगे तो बना के खाओ। 1 किलो मच्छी में हल्दी नमक और नींबू का पानी डाल के अच्छे से मैरिनेट करने का 10-15 मिनट। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, सरसों का मच्छी है ना, तो व्हाइट सरसों 3 चम्मच और ब्लैक सरसों 1 चम्मच। तुम पूरा व्हाइट भी ले सकता, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, 1.5 इंच अदरक, 15-20 लहसुन डालने का, तभी तो टेस्ट आएगा ना। 5-6 हरी मिर्च, 5-6 सूखा मिर्च। तुमको तीखा कम रखना है तो कम मिर्ची, पर ज्यादा नहीं रखने का, नहीं तो तुमको पता है ना क्या होता है पिच्छू से। फिर इसमें थोड़ा बहुत पानी मिला के पीसने का, ऐसा मस्त वाला पीला पीला पेस्ट बनेगा ना रेडी। अब एक पैन में तेल गरम करके हमारा मच्छी को फ्राई करेगा। देखो जी मच्छी बहुत नाजुक, इसको चिकन मटन नहीं सोचने का, जल्दी फ्राई होता। हाई फ्लेम पे 3 मिनट इधर 2 मिनट उधर हो जाएगा, क्योंकि मछली जल की रानी है, उसका जीवन हमारा है, तभी तो बना के कहा था ना, ऐसा कौन बोलता जी। अब मेन प्रोसेस, 2 चम्मच तेल में आधा आधा चम्मच सरसों, मेथी और सौंफ, ये सबको तड़का देने का। फिर एक प्याज को टुकड़ा करके डालने का और अच्छे से भुनने का। जब प्याज भुन जाएगा ना, तो 10-15 कड़ी पत्ता डालने का। अब सरसों का मच्छी है ना, तो 3 टमाटर, थोड़ा खट्टा मांगता, मेरा बाज वाला बंगाली तो इमली भी डालता, और ओडिशा में टमाटर के जगह पर ड्राई मैंगो का गुटली डालता। मैं सब खाया, बहुत अच्छा लगता। जब टमाटर अच्छे से भुन जाएगा ना जी, तो थोड़ा हल्दी डालने का और हमारा वो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। अब इस पेस्ट को 15 मिनट तक अच्छे से भुनने का, उसके बाद ही पानी डालने का। मैंने आधा लीटर डाला, तुम अपना देखो, और नमक तो बहुत जरूरी। अब ये ग्रेवी को 10 मिनट अच्छे से पकाने का, उसके बाद उसमें मच्छी डालने का। देखो जी पहले मच्छी को पकाया, फिर ग्रेवी को पकाया, अभी मच्छी डाला, सब रेडी है। अभी काली मच्छी को डाल के 5 मिनट पकाने का हो गया। अब तुम धनिया छिड़को या फेंक के मारो, पर बना के खाओ, ये बहुत सॉफ्ट बहुत टेस्टी जी। तुम रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ खाओ, पर सब्सक्राइब करके जाओ। ये मछली का नाम रोहू, थोड़ा कांटा लगा पर अच्छा लगा।